ये नज़र आप देख रहे हो 3 किलोमीटर से, जो कि उमरांग में स्थित एक वाणिज्यिक जगह जिसको बोला जाता है, जहां से बहुत सारा बिजनेस चलती है, जिससे दिमाग की रेवेन्यू जनरेट होती है। उस जगह से आज आपको लाइव प्रसारण देख रहे हैं विजन नॉर्थ ईस्ट की ओर से। तो यह है दृश्य जो आप सामने देख रहे हो। तो हम यहाँ पे सीधे बात करते हैं, हमारे साथ मुकेश दा है अभी तक जी। कैसा प्रोग्राम रहा आज? आप बहुत ही भव्य प्रोग्राम, आप तो देख ही रहे हैं कि इस तरह का जिमौड़ा लगा हुआ है, सभी के मन में उत्साह, सभी जो इतने सालों से वेट कर रहे थे ये घर का, वो घड़ी आ गई। आप देखिए सभी के चेहरे में खुशी और उत्साह का माहौल है। इस तरह का दृश्य आमतौर पे दिखा नहीं जाता कहीं पे भी, तो ये जो उमरांग के इस एक कोने में इस तरह का एक बहुत विशाल प्रोग्राम आयोजन करने में किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा आज? दिक्कत का तो नहीं, लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, अपने उन्होंने खुद आके डोनेशन दिया ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मतलब किसी तरह का हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सभी ने उत्साह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सभी ने। कैसा कैसा क्या क्या प्रोग्राम रहेगा आज ये रैली के बाद भी? जैसे हम लोगों ने सबसे पहले अपने काली मंदिर में झंडा प्रत्यारोपण किया, उसके बाद हमने रैली का आयोजन किया। रैली खत्म होने के पश्चात हम लोगों ने खिचड़ी का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आज दिन भर का कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। धन्यवाद आपका, जय श्री राम। तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं कि इस रैली में हिस्सा लिया है 3 किलो में, और 3 किलो का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, वैसे सारे बिजी है, हम आपसे बात करेंगे थोड़ा से जी। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? आज हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी कहा नहीं पा रहे, तब हमें इतनी खुशी है कि हम अयोध्या में ही है, राम जन्म भूमि में ही है। आज हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तब भी हम अपने गांव बस्ती जितने भी हमारे मंदिर है ना, वहाँ पे हम लोग पूरा कीर्तन करके राम धुनि से राम ध्वज लेके हम लोग निकले हैं। हम अयोध्या मतलब हम अयोध्या में है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अयोध्या में ही है? सच में अयोध्या के कर रहा है, अयोध्या का है, इधर में चल रहा है, मना रहा है, खुशी है। तो ये है जो जोश है के बीच, लोगों जोश देखने को मिल रहा है उमरांग में भी। अयोध्या में किस तरह का एक वातावरण रहेगा ये इस जगह से आपको अंदाजा हो चुका होगा। तो इस रैली को ख़त्म करने के बाद उपस्थित हुए हैं उमरांग के बहुत ही एक श्रद्धा से भरा मंदिर, उमरांग के 3 किलो स्थित काली मंदिर पे। तो यहाँ पे अभी रैली ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम यह एक युवा समाज के सामने खड़े हैं, जो यहाँ पे लड़कियाँ आज सुबह से जो अपने अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के साथ में मौजूद हुई है अपने इस रैली को एक बहुत सुंदर सा रूप देने के लिए। तो इसी बीच हम कुछ लड़कियों से बात करते हैं, उनकी जानकारी भी कितनी जानकारी वो रखते हैं श्री राम जी के ऊपर, तो वो भी हम थोड़ा से इनका भी लेते हैं जानकारी, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है आज 3 किलो में। तो हम बात करेंगे आपसे, श्री राम कैसी तैयारियां हैं आज? यहाँ पे बहुत खुशहाल तैयारी चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग बहुत आए हैं, यहाँ पे ये सब सेम कलर हम लोग लगाए हुए हैं, और हम खुश हैं कि राम प्रभु जी यहाँ पे पधारे, और हमारे देश में 500 साल वर्ष के बाद हमारे देश में पधारे हैं,
और हम लोग बहुत खुश हैं। अयोध्या में जो आज प्रोग्राम हो रहा है ना, उसमें उसका एक आप जाने का मन तो अभी से करता होगा? हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग का श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा था, तो 500 साल बाद में हम लोग का श्री राम मंदिर बन रहा है, तो हम लोग को खुशी तो हो गई और सनातन धर्म का जीत भी हुई है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का जीत है, बात सही भी है, क्योंकि 550 साल बाद राम जी फिर से दोबारा पधारे हैं हमारे देश। तो आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या किस तरह का तैयारी आज चला है आपके यहाँ? पहले सुबह रैली से शुरू हुआ है, हम यहाँ से काली मंदिर से हम रैली निकले, हम हमारे एरिया में जितने भी मंदिर है हम सभी में गए, हमने रैली किया और उसके बाद रैली ख़त्म होने के बाद हम फिर मंदिर आए। मंदिर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन हो रहा है प्रभु के नाम पे, तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बोल सकते हैं कि हम साल में दो बार दिवाली मना सकते हैं। साल में दो बार दिवाली मनाएंगे। आपको पता है श्री राम कब कितने साल बाद भारत आ रहे हैं? ये तो नहीं पता। धन्यवाद। तो ये वहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उससे बात करते हैं कि महिला कर रहे थे क्या आज यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यहाँ पे कुछ महिलाएं जय श्री राम। पहले हम दो बार आपको सुनना चाहेंगे बहुत जोर से जय श्री राम। तो किस तरह का तैयारियाँ रहा आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है अगर अयोध्या में आप होते तो आज कैसा लगता आपको? अयोध्या में होता तो और भी अच्छा लगता है, घूमने को मिलता है, इतने लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगा। आपको पता है कितने साल के बाद राम जी भारत पधारे हैं, फिर से वापस आए हैं? 550 साल लगभग लगभग। तो हाँ, तो आप लोग किस तरह का तैयारियाँ है आज? तो ये यहाँ पे 3 किलो स्थित महिलाएं हैं जो कि सुबह से आज अपने अपने बहुत खूबसूरत अध्यक्ष में मौजूद हुई थी रैली में, इन्होंने भी हिस्सा लिया और इन्होंने भी श्री राम को स्वागत की, सारी तैयारियाँ करके रखी थी। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।